आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पुलिस विभाग द्वारा ग्राम खड़ीखम की एक नाबालिग 15 वर्षीय बालिका को महाराष्ट्र के धुलिया से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल से प्राप्त जानकारी अनुसार बालिका के परिजनों द्वारा बालिका के घर से बिना बताए कहीं बाहर जाने की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई। उन्होंने बताया, पूर्व मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शुक्ला उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर बालिका की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के महाराष्ट्र के धुलिया में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं बालिका को आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर आवश्यक कार्रवाई कर महिला पुलिस अधिकारी से बयान दर्ज करवाकर परिजनों को सौंपा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल, महिला उपनिरीक्षक ममता जमरा, सहायक उपनिरीक्षक रेणुका राठौड़, उपनिरीक्षक जगदीश चंद्र, प्रधान आरक्षक रूप सिंह मंडलोई, आरक्षक महेंद्र प्रजापति, विशाल पाटिल सहित स्टाफ का सराहनीय कार्य रहा। ग्राम खड़ीगम की एक 15 वर्षीय बालिका दिनांक 16 तारीख को 16/6 को घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 363 का प्रकरण दर्ज किया गया। नाबालिग लड़की के मामले को उनकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला साहब एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल टीम का गठन किया गया एवं टीम के द्वारा महाराष्ट्र धुलिया से 24 घंटे के अंदर ही अज्ञात आरोपी प्रकाश पिता डेबा चौहान खड़ीकम का इसके कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद किया गया। नाबालिग युवती का महिला अधिकारी से बयान कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 376 एवं पास्को एक्ट का मामला पाए जाने से उक्त धाराएं का बढ़ाई गई तथा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराया जाकर उसके परिजनों के सुपुर्द की गई है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर आज पास्को न्यायालय से युवा में पेश किया जाएगा, जिसे वहां से जेल दाखिल कराया जाएगा। सर, कितने समय में पुलिस ने सफलता प्राप्त कर ली? इसमें नाबालिग युवती का मामला होने से इसमें तत्काल सक्रियता एवं गंभीरता से लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम का गठन कर 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र के धुलिया से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। धन्यवाद।